हाय एवरीवन, आइए मैं आज आपको रॉकेट के प्रिंसिपल को समझाता हूं कि रॉकेट किस तरीके से काम करता है। तो रॉकेट जो होता है वो बेस्ड ऑन होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। तो यहां पर देखिए, अगर हम लोग रॉकेट पर फोर्स की बात करते हैं तो रॉकेट का जो फोर्स है वो माइनस यू डीएम बाई डीटी के बराबर है, जहां पर यू क्या है, यू इज द स्पीड ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, जबकि एम क्या होता है प्यारे बच्चों, डीएम बाई डीटी दैट इज रेट ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल, यानी कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द मास ऑफ द रॉकेट। ये हम लोग डीएम बाई डीटी को कह सकते हैं, क्योंकि टाइम के साथ फ्यूल बर्न होगा और उसका जो मास है वो रिड्यूस होगा, जबकि वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट इंस्टेंट अगर आपसे कहा जाए तो दैट इज v इज इक्वल टू v नॉट प्लस u log m नॉट अपॉन m, जहां पर v नॉट क्या है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, जहां पर m नॉट क्या है इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट, m क्या है प्रेजेंट मास ऑफ द रॉकेट। और अगर यहां पर हम लोग ग्रेविटी के इफेक्ट को भी कंसीडर कर ले तो यहां पर v नॉट प्लस u log m नॉट अपॉन m माइनस gt बन जाएगा। तो ये फार्मूला देखिए, कहीं ना कहीं v इज इक्वल टू u माइनस gt टाइप का है, तो ध्यान रखिएगा माइनस gt और आ जाएगा अगर हम लोग ग्रेविटी को भी कंसीडर करेंगे तो।